अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद रेहान एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में। व्यूअर्स, गूगल ड्राइव ने एक नया ऑप्शन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। और इससे पहले व्यूअर्स, गूगल ड्राइव अगर हम अपने पीसी के ऊपर इंस्टॉल करते थे तो हमारे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनकर आ जाता था, फोल्डर का शॉर्टकट बन के आ जाता था। उस फोल्डर के अंदर हम जितना भी डाटा रखते थे वो डाटा हमारा क्लाउडली सेव हो जाता था, और जब भी हम उसे कहीं भी एक्सेस करना चाहते थे वाया इंटरनेट तो हम उसे एक्सेस कर सकते थे, चाहे वो हमारे मोबाइल फोन के ऊपर हो या टैबलेट के ऊपर हो या किसी और पीसी के ऊपर हो या कहीं भी जहां पर हम लॉगिन कर सकें, तो वहां पर लॉगिन करके हम अपना डाटा एक्सेस कर सकते थे क्लाउडली। तो अब गूगल ने ये सोचा है कि सार्फिन को कुछ ऐसा नया ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए जिसके जरिए सार्फिन को मजीद आसानी पैदा हो जाए अपना डाटा जो है वो सेव करने में। तो व्यूअर्स, इस बार गूगल कुछ ऐसा करने जा रहा है कि जिसे गूगल ड्राइव सैनिक का नाम दिया गया, एक ऐसा ऑप्शन लॉन्च करने जा रहा है जिसके जरिए पूरे पीसी का जो है वो बैकअप रखा जा सकेगा। और अगर हमारे पीसी में कोई भी चीज मौजूद है और उसे हम अटैच कर देते हैं अपने गूगल ड्राइव के साथ, तो हम कहीं भी क्लाउडली उसे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन के जरिए हो, टैबलेट के जरिए हो, या कहीं भी हम कहीं पर भी मौजूद हो हम इंटरनेट के जरिए लॉग इन करके उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक जबरदस्त न्यूज है अबाउट गूगल ड्राइव। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आई तो डिसलाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ये वीडियो देखें तो आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा। नई वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।